कानपुर में धर्म के धंधेबाजों का ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बाद ये सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या कानपुर धर्म के धंधेबाजों के लिए पनाहगाह बन चुका है, क्योंकि भोले भाले से लोगों को टारगेट करने के साथ ही धर्मांतरण के मामले में अब विदेशी फंडिंग की बात तक सामने आ चुकी है। कानपुर में धर्म के धंधेबाजों का सिंडिकेट, लालच के लॉलीपॉप से धर्मांतरण का खेल। पहले ध्यान से सुनिए थारू बस्ती की महिलाओं की बातों को, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि धर्मांतरण का खेल कानपुर के थारू बस्ती में किस कदर खेला जा रहा है, कैसे लोगों को जाल में फंसकर उनके धर्मांतरण की कोशिश हो रही है। यीशु मसीह को मानने लगेगा तो उसकी संगत दूर हो जाएगी। कितनी देर वो लोग यहाँ रुके थे? एक रात रुके थे, चले गए थे। कोई सभा करी थी उन्होंने? सभा ने प्रचार बांटने आगे तो हमारे तो तुम भी हो जाए तो हम भी हो जाए अपनी जाए। जानकारी के मुताबिक धर्म परिवर्तन के लिए पहले 4,000 रुपए महीने का लालच दिया जाता है और परिवर्तन कराने वालों को 30,000 रुपए महीना दिया जाता है। रावतपुर गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। शुरुआती दौर पर पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि पंजाब से आया व्यक्ति रावतपुर गांव में बस्ती वालों को ईसाइयत की तरफ प्रेरित कर रहा था, लेकिन बस्ती वालों ने उसके मकसद को समझने के बाद उसे भगा दिया। वीडियो 1 महीने पुराना बताया जा रहा है। कानपुर में चकेरी के चाणक्यपुरी के बाद रावतपुर में भी एक धर्मांतरण कराने का मामला निकल करके सामने आया है। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें बस्ती के लोग धर्मांतरण की बात करते हुए दिखे। इस वीडियो की कानपुर पुलिस ने पूरी तरह से संज्ञान लेते हुए पड़ताल की, तो पड़ताल करने के बाद ये तथ्य सामने निकल के आया है कि पंजाब से आया एक व्यक्ति ईसाइयत की तरफ धर्मांतरण के लिए लोगों को और बस्ती के लोगों को प्रेरित करते हुए दिखा है। जांच गहनता के साथ की जा रही है। DCP वेस्ट विजय ढुल की माने तो ऐसे बस्ती में आया पंजाब का व्यक्ति जब भी ईसाइयत की तरफ प्रेरित करने लगा बस्ती के लोगों को, तो उसके बाद उसे तुरंत बस्ती के लोगों ने भगा दिया था। कानपुर पुलिस ने गहन पड़ताल करते हुए पाया है कि एक व्यक्ति करीब 1 महीने पहले करवला रोड स्थित रावतपुर गांव में बस्ती पहुंचा था। यहां वायरल वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम नीरज है, जो ज्यादा शराब पीने से बीमार रहता है। पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि पंजाब से आए शख्स ने बीमारी की आड़ में बस्ती वालों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहा था। क्या क्या लेके आए सामान? सामान का कुछ नहीं। आप लोग घर पोस्टर वगैरह दे गए क्या उन्होंने? ना। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया और कानपुर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए रावतपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया। तथाकथित रूप से धर्मांतरण को लेके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, ये रावतपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है। संबंधित DCP को निर्देशित किया गया कि तत्काल मौके पे जांच के इसके संबंध में तथ्यों की छानबीन करें, जो भी तथ्य पाए जाते हैं उसके अनुसार प्रभावी कार्रवाई करें। पुलिस के मुताबिक पिछले दिनों चकेरी के चाणक्यपुरी में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया था, जिसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने हंगामा किया था, जिसके बाद आरोपी रजत शाह और अभिजीत नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनके घर से बड़ी मात्रा में साहित्य भी बरामद हुआ था। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या कानपुर धर्मांतरण का खेल खेलने वालों का पनाहगाह बन चुका है। बस्ती वालों ने जब उसके मंतव्य को समझा तो उसे तुरंत तत्काल प्रभाव से वहां से भगा दिया गया। करबला रोड का यह मामला है, इसके बाद पुलिस गहनता से जांच कर रही है, उस आदमी को ढूंढने की कोशिश कर रही है जो पंजाब से आकर कानपुर में धर्मांतरण की कोशिश करने में लगा हुआ था। कुछ दिन पहले भी चकेरी के चाणक्यपुरी में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा धर्मांतरण के खेल को पकड़ा गया था, जिसमें अभिजीत और रजत शाह नाम के 2 व्यक्ति पकड़े गए थे, गिरफ्तार किए गए थे। उनके पास से काफ़ी साहित्य भी इस तरीके का मिला था और उसकी भी जांच गहनता के साथ की जा रही है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।